खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। हम आमतौर पर इस वक्त खाके का लिंक दे रहे होते हैं, लेकिन अभी पिछला सेगमेंट था, हम उसकी बस उसी से भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और ड्रामे के लिंक से पहले अभी हमने क्विकली आप हमने एक ऐसी बच्ची से मिलना है, एक और बेटी से, बेटियों की बात हो रही है तो ये एक बच्ची है जिसको हमने अभी सरप्राइज़ देना है, जो कि भी जफ़र साहब के पास आई थी रमज़ान से पहले, नाबीना बच्ची है। और तो वो उन्होंने उसका इंटरव्यू वगैरह किया, उन्होंने कहा जी क्या 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 चाहती हैं आप, वो वीडियो मुझे जफर साहब ने भेजी रमज़ान से एक आध दिन पहले या रमज़ान शुरू होते, तो उन्होंने कहा जी मैंने रमज़ान नशरियात में जाना है जी मैंने, और मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब नाम लिया मेरा कि मैं उनसे मिल लूँ। तो मैंने जफर साहब से कहा कि ठीक है आप उनको बताइएगा नहीं, हम किसी दिन अचानक उनको सेट पर ले आएंगे और ये सरप्राइज़ देंगे और उनसे इस तरीके से मुलाकात करेंगे सबके सामने। तो आप जफर भाई से कहिए ज़रा ले आएँ, अभी उस बच्ची को कुछ नहीं पता कि वो यहाँ पर शाह रमज़ान के सेट पर है। और खाका इसके बाद हम देखेंगे, उसका नाम होगा हसरत। और अभी हमने उस बच्ची को कुछ बताया नहीं है कि वो कहाँ पर है और क्या मामला है। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता इसलिए बोल रहा हूँ ताकि उसके कानों तक ये आवाज़ ना पहुँच जाए कि क्या है। और अभी जफर भाई जो हैं वो उस बेटी को ला रहे हैं। अब पता नहीं उसको आवाज़ सुन के अंदाज़ा हो गया है कि ये मैं हूँ या क्या है, ये मुझे कुछ नहीं पता कि उसको आइडिया हो गया है कि वो शाह रमज़ान के सेट पर है या पता नहीं है कहीं है, पता नहीं क्या है। इधर इधर इधर, अस्सलाम वालेकुम, इधर 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 इधर, थोड़ा कैमरे की तरफ आप बात करें। रिशा तुम्हारी ख्वाहिश क्या थी जिंदगी की सबसे बड़ी? मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं वसीम भाई से मिलूं। वसीम भाई कौन, वो जो जिनकी दुकान है गली कोने पे? नहीं, कौन से वसीम भाई? एआरवाई वाले वसीम। इनकी ख्वाहिश थी वसीम भाई एआरवाई वाले से मिलना है, मैं आपकी दुकान पे लेके आ गया इनको गलती से, अब क्या करूं? ओहो, तो अब आपको वसीम भाई का नंबर हम देने आपकी ताकि की बात हो सके उनसे। जी क्या आपने वसीम भाई से क्या बात करनी है आपने? ऐसे ही बस मिलना है। हाँ जी, बिजी आदमी है, इतना टाइम तो इनके पास के हर किसी से मिलना है, ऐसे तो नहीं हो सकता ना? नहीं, ईद के बाद देखेंगे, अभी तो ट्रांसमिशन कर रहे हो, अगर टाइम हुआ तो ईद के बाद मिलेंगे। सही सही है। क्या नाम है आपका? वरीशा। वैसे अगर आपको उनको कोई मैसेज देना है तो मैं मैसेज पहुंचा सकता हूं उन तक, मिलवा तो नहीं सकता, टाइम नहीं उनके, पैगाम मैसेज दे सकता हूं, कोई मैसेज? नहीं। अच्छा डायरेक्ट उनसे ही मिलना है। अच्छा। वैसे अगर कभी आपकी हो जाए वसीम भाई से मुलाकात तो क्या कहना, क्या आपको उनसे? मुझे ऐसे ही सलाम करनी है और ऐसे ही सलाम करना है, फिर अहमद शाह लोग के साथ बैठना। अहमद शाह के साथ बैठ? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वरीशा जी आपका नाम क्या है? वरीशा। वरीशा मेरा नाम वसीम बदामी है, मैं वसीम बदामी बात कर रहा हूँ। खैरियत से आप ठीक ठाक हैं वरीशा? जी जी। ये आप शाने रमजान के सेट में इस वक्त, और ये पूरी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है, और मैं वसीम भाई आपके सामने खड़ा हूँ। जब जफर भाई ने मेरी इनसे फोन पे बात कराई रमजान से पहले, तब मैंने उनसे कहा कि भाई मैं ईद के बाद कोशिश करूंगा अगर आपसे मिल सका तो, वरना मैं शाने रमजान में बहुत बिजी होता हूँ। तो ये हमने सारा प्लान किया हुआ था, हमने सोचा था आपको सेट पे लाएंगे और यहाँ मिलेंगे आपसे। ठीक ठाक हैं आप? जी। हो गई मुलाकात? जी। आप सुनाए? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपको देख के और ठीक हो गया हूँ। वरीशा के लिए तालियां तो बजाएं बस सब एकदम जबरदस्त। खुश हैं? जी। हैप्पी हैप्पी? जी। ये हाथ हाथ ये क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे क्यों, इतनी नर्वस क्यों हो रही है, क्या हो रहा है? ऐसे ऐसे की जिंदगी की ये हमारे पास आई थी। इन्होंने बोला मेरी जिंदगी की एक ही आरज़ू है, मैं देख नहीं सकती हूँ लेकिन अगर मुझे वसीम बदामी साहब साहब मिलवा देंगे तो बस मेरी जिंदगी। मैंने आपको फोन किया, आपने फोन किया था मुझे, आपने कहा चले इसको सरप्राइज देंगे, तो आज इत्तेफाक से माशाल्लाह बहुत सारी तालियां बजाएं भाई बेटी के लिए। क्या मैंने सुना है वरीशा की आवाज़ बहुत अच्छी है, ये सही सुना है मैंने? रमजान का कलाम बनाया इन्होंने, बहुत जबरदस्त कलाम सुने। फिर हम खाके की तरफ, भाई वरीशा आओ, मैं अपनी बेटी का जरा खुद हाथ पकड़ के, अब मैं आपको ना उस कुर्सी पे बिठा रहा हूँ जहाँ पे वसीम भाई बैठते हैं, जहाँ पे बैठ के वसीम बदामी भाई शाह रमजान करते हैं ना, आपने बैठना है उस चेयर पे। ये आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, ये बैठ जाए, ये अब आप बैठिए उस चेयर पे और पूरी दुनिया आपको देख रही है, वसीम भाई आपके पास बैठे हैं। सही? जी। घबरा रहे नहीं आप? सही। हाँ, और कुछ सुनाएंगे हमें? जी सुना दो सुना दो। हाँ, सुनाए रमजान का कलाम सुनाएंगे? जी बस ठीक है सुनाए। इंसान के लिए प्यार का पैगाम है रमज़ान, एहसास का ईसार का पैगाम है रमज़ान, इस माह में है रहमत ही रहमत हर सू,
इस माह में है बरकत ही बरकत हर सू, शुक्रो इस तगफार का पैगाम है रमजान, एहसास का ईसार का पैगाम है रमजान, जो भूखे हैं उन भूखों का एहसास भी करना, जो प्यास है प्यासों की खत्म प्यास भी करना, ऐसे सहर अफ्तार का पैगाम है रमजान, एहसास का ईसार का पैगाम है रमजान, इंसान के लिए प्यार का पैगाम है रमजान, एहसास का ईसार का पैगाम है रमजान। आपको पता है इस सेट पे जितने भी लोग खड़े हुए ना वो सब तारीफ कर रहे हैं आपके, सब कह रहे हैं इतनी प्यारी आवाज है बच्चे की, भाई तालियां बजा के सब बताएंगे बच्ची की क्या बात है, देखिए सेट में सब शाउट कर करके आपकी तारीफ कर रहे हैं, वाह जबरदस्त क्या बात है भाई। भाई आज से पहले आपको मिलना था ना वसीम भाई से, आप हो गए वसीम भाई आपके फैन हो गए, वसीम बदामी भाई आपके फैन हो गए, और पूरी दुनिया में शान रमजान में सबने आपका एक कलाम सुना है और सब आपके लिए बहुत बहुत दुआएं करेंगे, हम आपको अहमद शाह से भी मिलवाते हैं, तस्वीरें भी बनाते हैं, ठीक है जी, ओके खुश है जी, आपकी चेहरे पे खुशी नजर आ रही है माशाल्लाह भाई, वो तो समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहे हैं भाई, जबरदस्त बहुत सारी तालियां एक बार फिर बजाते हैं हमारी बच्ची के लिए, और जफर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार आपने कनेक्ट करवाया, आपका बहुत शुक्रिया। छोटी सी बच्ची आगे बोल रही है मैं कुछ नहीं देख सकती मुझे नजर नहीं आता लेकिन मुझे वसीम बदामी से मिलवा दें, माइक खुद पकड़ लेते अच्छा अच्छा, उसने बोला कि मैं वसीम भाई की एक एक प्रोग्राम छह छह बार देखती हूँ, अभी इसने पता क्या कहा मुझे, उससे कि मैं माइक खुद पकड़ लेती हूँ आपके हाथ में दर्द हो जाएगा ना इसलिए, माशाल्लाह क्या बात है भाई। मैंने इसके लिए लैपटॉप मंगवाया है वो वाला जिसके अंदर वो बटन होता है ना जो नाबीना बच्चे इस्तेमाल करते हैं, वो इसको गिफ्ट इसके घर पहुंचेगा, बस जबरदस्त बस इसकी वो ख्वाहिश थी जबरदस्ती यार, क्या बात है जफर भाई ने मुझे बताया मेरा दिल खुश हो गया, बस जजाकल्ला थैंक यू सो मच नरीशा थैंक यू, और अभी आपको मिलवाते भी हैं अहमद शाह साहब से, ठीक है ठीक है आपसे फिर और बात भी करेंगे जी, जजाकल्ला और आपका रहेगा आपसे इंशाल्लाह 6 बजे, अरे टाइम भी पता है भाई बच्ची को तो हर सेगमेंट का टाइम पता है, हाथ में छोटा ये टाइम से ये बच्चों का सेगमेंट देख, क्या बात है भाई जबर, अभी मिलवाते हैं आपको सबसे जबरदस्त जजाकल्ला, तो ये वरिशा हमारे साथ, आप देखिए हमारा आज का खाके का उन्वान है हसरत। रहमतों और बरकतों के इस महीने में बांटिए खुशियां अपनों के साथ, सहूलत बाजार लाया रमजान स्पेशल डील्स, इफ्तार डील्स, इफ्तार वाउचर्स और बेशुमार गिफ्ट्स, ऑर्डर करने के लिए अभी लॉग ऑन कीजिए www.sahulatbazaar.com पे, और मजीद मालूमात के लिए +92322733574 पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।